वेलकम स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी स्टोमेटा के बारे में। लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उसके अंदर हमने स्टोमेटा के बारे में देखा था, इनको समझने की कोशिश की थी, ठीक है ना। अब आज हम लोग बात करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो वाटर है उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आइए, आप लोगों को पता होगा, ये कॉमन सेंस की बात है, जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को सॉइल से लेते हैं, ठीक है। लेकिन सॉइल से जो वाटर है उसको इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर कुछ एक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। हम लोग उन्हीं प्रोसेस को आज पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा इसके अंदर समझने वाला पॉइंट भी है, जिसको कि आपने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन होके समझना है। द वाटर required by the plants for photosynthesis is absorbed by the roots. आपको पता है कि जो roots होते हैं वो water को absorb करते हैं, ठीक है। और कहाँ से करते हैं? वो soil से water को absorb क्या करते हैं? Absorb करते हैं, ठीक है। अब soil से water को absorb करना इतना ज़्यादा easy नहीं होता है, तो उसके लिए एक process होती है, ठीक है। एक process होती है, उस process को क्या बोलते हैं हम लोग? Osmosis बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर है वो किस प्रोसेस के थ्रू लेते हैं? वो लेते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है ना। जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स। कौन करते हैं? रूट्स करते हैं, ठीक है। और उस वाटर को क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल्स, ठीक है, ऑफ द लीव्स टू द लीव्स वेयर इट रीचेस द फोटोसिंथेसिस सेल्स एंड यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे दिखाया गया इस डायग्राम के अंदर कि जो प्लांट के रूट्स हैं ये, ठीक है, ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को सॉइल से। कौन से प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। अब जो वाटर है इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाना है, कहाँ तक? लीव्स तक, क्योंकि लीफ जो होती है उसी के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हो सकती है, क्योंकि वहीं पर फोटोसिंथेटिक सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनको कि हम लोग मीजोफिल सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं उनको? मीजोफिल सेल्स भी बोल देते हैं, मीजोफिल्स बोल देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि उन मेसोफिल सेल्स तक वाटर को पहुंचाना है, एब्जॉर्ब तो किसने कर लिया? इन रूट्स ने कर लिया है, लेकिन उसको पहुंचाना पड़ेगा कहां तक? इन लीव्स तक। ये जो लीव्स हैं वहां तक जो वाटर है इसको पहुंचाना पड़ेगा, तो हमें वाटर को अपवर्ड मूवमेंट करवानी पड़ेगी, क्योंकि लीव्स तो ऊपर होती हैं। तो वो जो अपवर्ड मूवमेंट है प्लांट के अंदर वाटर की, वो वेसल्स के थ्रू होती है, और उन वेसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलम। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो जल है, मतलब वाटर है, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है प्लांट के अंदर? रूट से लीव्स तक। तो कौन करता है? जाइलम वेसल्स करते हैं, ठीक है। वेसल वर्ड का मतलब क्या है कि जो ट्यूब्स होती हैं एक टाइप की, क्या होती हैं? ट्यूब्स होती हैं। जैसे कि आप लोग जो पेन यूज कर रहे हैं, ठीक है, पैन के अंदर जो रिफिल है उसको अगर आप लोग जाइलम वेसल मानो, तो जो हमारी क्या है, जो निब होती है पैन की, ठीक है, पैन की जो रिफिल के अंदर जो निब होती है, वहां तक स्याही को पहुंचाना है तो वो कौन पहुंचाता है? वो रिफिल पहुंचाती है। उसी टाइप से प्लांट के अंदर ये सिस्टम जो है उल्टा होता है, क्योंकि स्याही को नीचे जाना होता है लेकिन जो वाटर है इसको प्लांट के अंदर ऊपर जाना होता है। तो होता क्या है कि ये जो जाइलम वेसल्स हैं उसके अंदर काम आती हैं, ठीक है, और उसमें होगा क्या कि जब वो वाटर फोटोसिंथेटिक सेल्स तक पहुंच जाएगा, तब जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर वाटर को यूटिलाइज किया जाएगा, वाटर का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें कि होता क्या है कि यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए कि जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो दो रॉ मटेरियल हैं, ठीक है, ये आपको पता है कि रिक्वायरमेंट होती है इसकी, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या बनता है? फूड बनता है, ठीक है, क्या बनता है? फूड बनता है, और उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, जैसे कि जो ग्लूकोज है या जो स्टार्च है। ग्लूकोज और स्टार्च दोनों क्या हैं?
कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक, कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोल देते हैं। लेकिन जो प्लांट होते हैं, क्या इनको सिर्फ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इनको जिंदा रहने के लिए और भी जो सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल्स हैं, वो इनको चाहिए होते हैं। इनको और भी जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, चाहिए होते हैं, किस लिए? अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो वो जो सब्सटेंसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो उसमें क्या है कि नाइट्रोजन चाहिए होती है प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट को फॉस्फोरस चाहिए होता है, ठीक है, और भी रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, आयरन प्लांट को चाहिए होता है, इसके अलावा जो मैग्नीशियम है, ठीक है, ये चाहिए होता है प्लांट को, किसके लिए? फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, उनकी बॉडी को बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि प्लांट भी है जो लगातार ग्रो करता रहता है, तो उसके लिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, इनकी भी नीड होती है प्लांट को। जिस टाइप से हमें ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें भी चाहिए होती है ना इनकी, उसी टाइप से प्लांट्स को भी जो इसकी नीड है वो होती है, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन होती है, फॉस्फोरस होती है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, इसको भी कहाँ से लिया जाता है? इसको भी लिया जाता है तो कहाँ से? इसको भी सॉइल से लिया जाता है, फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। अब होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज बाय द प्लांट टू मेक प्रोटीन्स। अब आपको ये तो मैंने बताया था कि जो प्रोटीन है उनको बनाने वाले जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है, मैंने आपको माला का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, मोतियों की जो माला होती है, प्रोटीन उसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और उसके अंदर जो मोती होते हैं, बेसिकली अमीनो एसिड, जिसको हमने बोला था अमीनो एसिड मोती की तरह काम करते हैं, ठीक है, प्रोटीन को बनाने के लिए। तो अमीनो एसिड का जो मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है, अमीनो एसिड का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या चाहिए होता है? प्रोटीन बनाने के लिए। इवन एनिमल्स के अंदर भी प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो होती है, ठीक है। और ये लेते कहां से? ये सॉइल से लेते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? इनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं प्लांट के अंदर उनको बनाने के लिए भी क्या चाहिए होता है? इनको नाइट्रोजन चाहिए होते हैं। और नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज में, आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन उस नाइट्रोजन को ले नहीं सकते प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि प्लांट जो है उस नाइट्रोजन को अलग फॉर्म में लेते हैं, वो सॉइल से लेते हैं, और कौन सी फॉर्म में लेते हैं? इनऑर्गेनिक साल्ट्स की फॉर्म, जिसको कि क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं, या फिर नाइट्राइट्स बोल देते हैं। नाइट्रोजन को जो प्लांट्स हैं, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन को प्लांट्स जो हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं? तो प्लांट लेते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में, या फिर नाइट्राइट की फॉर्म जो होती है उस फॉर्म के अंदर जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक साल्ट की फॉर्म में नाइट्रेट की फॉर्म में ले लेंगे, या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में ले लेंगे। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म के अंदर बात की जाए, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब कुछ एक जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है, किसके अंदर, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। अब है क्या यहां पर, जो साइट है फोटोसिंथेसिस की, आपको पता है वो क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या होती है, साइट होती है, किसकी, फोटोसिंथेसिस की। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, आपने जो नाइन्थ क्लास है आपकी उसके अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है, क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कहां पर होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता क्या है, एक पिगमेंट पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है, और वहां पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है, टेक्स प्लेस, ठीक है, वहां पर वो जो प्रोसेस है वो हैपन होती है। इसलिए जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां पर अकर होता है, वो कहां पर होती है, वो जो प्रोसेस है वो इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर होती है, क्या बोलते हैं उनको, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। भूलना नहीं आपको, कहां होती है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, ठीक है, जो कहां पर होते हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोल देते हैं, या फिर मेसोफिल सेल्स भी बोल देते हैं। और होती कहां पर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है, या फिर दूसरे अगर हम लोग शब्दों में बात करना चाहें तो जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कौन सी है, सेल्स ऑफ द लीव्स,
ठीक है, लीव्स की जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, ठीक है, क्लियर। क्लोरोप्लास्ट जो है इसको हम लोग देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई सेल ली है हमने, उस सेल को अगर हम लोग मैग्नीफाई करें, बड़ा करें, तो उसके अंदर हमें सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो दिखाई देंगे, ठीक है। उसको हम लोग इजीली देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से, अगर हम लोग डीप को जो माइक्रोस्कोप है उसके नीचे रख के देखेंगे तो हमें क्लोरोप्लास्ट आसानी से दिख जाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर होता क्या है कि क्रॉस सेक्शन हमें काटना पड़ता है लीफ का, लीफ को काट कर देखा जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा न्यूमरस डिस्क लाइक ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, डिस्क लाइक ऑर्गेनलाइज होते हैं। कहाँ पर होते हैं वो, फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक जो सेल्स होते हैं, अब होती क्या आप, वो लीफ की सेल्स होती हैं, और लीफ के अंदर कुछ एक सेल की जो लेयर्स हैं वो पाई जाती हैं, अगर हम लोग लीफ जो होती है, ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है, ये एक लीफ है, ये क्या है, एक लीफ है, ठीक है। उस लीफ के अंदर हम लोग क्या करें कि अगर मान लीजिए कोई लीफ है इस टाइप से है, उस लीफ को अगर हम लोग काट दें इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से काट दें, तो काट कर हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही पतला सेक्शन काटते होते हैं लीफ का, और उस पतले सेक्शन को अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमको क्या दिखते हैं, कुछ एक लेयर्स दिखती हैं। आइए वो देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, तो उनके बारे में हमें और इजिली पता चलेगा डायग्राम की हेल्प से। तो देखते हैं, सबसे पहले जो ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल की लेयर होती है, जो पत्ती होती है उसके ऊपर क्या होती है, सबसे पहले एक वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल की, जिसके कारण जो पत्ती है वो चिकनी होती है, ऊपर की सरफेस होती है जो, है ना। और इस क्यूटिकल की जो परत है ये, ठीक है, क्यूटिकल की जो लेयर है इसके नीचे क्या होती है, इपिडर्मिस होती है, अपर इपिडर्मिस होती है, क्या होती है, अपर, ऊपर की इपिडर्मिस होती है, ठीक है। और इस इपिडर्मिस, ये जो लाइन है आपको दिख रही है यहां से लेकर ये यहां तक, ये क्या है, इपिडर्मिस की लेयर है। कौन सी इपिडर्मिस, अपर इपिडर्मिस। और उसके बाद में कौन सी लेयर आती है, ये जो सेल्स है आपको, ठीक है, कोलुमनर सेल्स जो दिख रही हैं इस टाइप से, ये कौन सी लेयर होती है, ये पैलिसेड लेयर होती है। कौन सी, पैलिसेड लेयर इसको नाम देते हैं अपने। ये जो पैलिसेड लेयर होती है उसके बाद में यहाँ पर क्या आती है, और सेल्स होती हैं, ठीक है। और वो जो सेल्स होती हैं यहाँ पर एक लेयर बन जाती है एक्चुअल के अंदर इस टाइप से, वो जो लेयर होती है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होती, लेकिन अपर एपिडर्मिस के अंदर और जो पैलिसेड लेयर है इसके अंदर जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज ना होने के कारण जो सेल्स हैं इनके बीच में खाली स्पेस पाया जाता है, या फिर हम लोग बात करें कि एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए पत्ती को आप लोग कुछ हद तक दबा भी सकते हो, अगर दो नाखूनों के बीच में अगर हम लोग पत्ती को रखकर दबाएं तो पत्ती दब जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर बीच में क्या होते हैं, उसके एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, खाली हवा उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और उसके बाद में क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस होती है, यहाँ पर क्या थी, ये अपर एपिडर्मिस है और यहाँ पर क्या है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। और नीचे वाली जो लेयर होती है उसके जो लोअर सरफेस होती है लीफ की, वहां पर क्यूटिकल की जो लेयर है वो इन जनरल नहीं पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वो खुरदरी होती है नीचे से ना, आप लोग पत्ती को देख भी सकते हैं। और लोअर जो सरफेस होती है वहां पर मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा को गार्ड करने वाली सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये कौन सी सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स, ठीक है। अब कोई भी सेल ले लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करते हैं, सेल लेते हैं कोई, हम लोग क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने ये सेल ले ली, हमने ये वाली सेल ले ली, ठीक है, ब्लू कलर से जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये मैंने सेल ले ली। इस सेल के अंदर आपको ये जो डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं जिसको कि मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो है, ठीक है, ग्रीन कलर से जिन डॉट को मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लैकिश कलर के अंदर आपको दिख रहे हैं ये जो डॉट्स हैं, इन डॉट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्हीं डॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं यहीं पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर आपने लीफ की देख ली है, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है कि लेयर्स होती हैं, ठीक है, क्या होती है, यहाँ पर लेयर्स होती हैं, जो मिडल लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो मिडल लेयर्स होती हैं लीफ की, ठीक है, वो कहाँ पर होती है, जो ऊपर की एक तो लेयर होती है, कौन सी, पैलिसेड की लेयर होती है, कौन सी होती है, पैलिसेड की लेयर होती है, और स्पॉन्जी लेयर जो है
वो हमने देखी है, ठीक है। उसके पास में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक सेल्स या फिर जिनको मेसोफिल सेल्स बोलते हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और इन सेल के पास में क्या होते हैं, ज़्यादा क्लोरोफिल होता है और कोई प्लांट सेल के मुकाबले, ठीक है। प्लांट के अंदर और भी बहुत सारी सेल्स होती हैं लेकिन उनके मुकाबले इन सेल्स के पास में ज़्यादा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और जो फोटोसिंथेटिक सेल होती है या फिर मेसोफिल सेल्स जो होती है, ठीक है, किसी भी ग्रीन लीफ की, उसके अंदर क्या होते हैं, 100 और मोर क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है, 100 और मोर क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, क्लियर। तो मतलब एक सेल के पास में अगर 100 क्लोरोप्लास्ट हैं तो पूरी लीफ के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, और बहुत सारी सेल्स के पास में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमें दिखाई देंगे, ठीक। होल लीफ में कंटेन मैनी थाउजेंड, और एक पूरी लीफ के पास में बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए होती है प्लांट को वो एयर से लेते हैं, ठीक है, कहाँ और किसके थ्रू लेते हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है कहाँ पर, मेसोफिल सेल्स के अंदर, फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर, और फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर जाने के बाद में कहाँ पर चली जाती है, वो चली जाती है आगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मान लीजिए ये जो सेल है, मैं इसको, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या है, यहाँ से क्या अंदर आई, यहाँ पर CO2 अंदर आ गई यहाँ से, ठीक है, स्टोमेटा से क्या आई है, CO2 अंदर आई है, और ये जो CO2 है ये कहाँ पर डिफ्यूज हो जाएगी, अब इस सेल के अंदर, और इस सेल के बाद में जो ये आपको टाइनी पिक टाइनी स्ट्रक्चर दिख रही है, ब्लैक स्ट्रक्चर, यहाँ तक ये जो CO2 वो पहुँच जाएगी, ठीक है। और जो वाटर है वो कैसे मिलेगा, ठीक है, वाटर जो है वो कैसे मिलेगा, जो वाटर है वो कैसे मिलेगा, तो जो वाटर है वो जाइलम वेसल के थ्रू, मैंने आपको बताया था कि कहां तक पहुंच जाएगा, वो मेसोफिल सेल्स तक पहुंच जाएगा, रूट उनको एब्जॉर्ब करेंगे कैसे, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब आप लोगों को एक जो वर्ड है ऑस्मोसिस, ये तंग कर रहा होगा, ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि इस टाइप से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझने के लिए आइए हम लोग सॉल्यूशंस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक तो सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी है। सॉल्यूशन को आप लोग जानते होंगे, मान लीजिए पानी के अंदर अगर हम लोग नमक घोल देते हैं, साल्ट को घोलते हैं, तो सॉल्यूशन हमारे पास बन के तैयार हो जाता है। तो पानी उस केस के अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर पानी सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, और जो नमक हमने घोला है वो क्या हो जाता है, वो सॉल्यूट हो जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हम लोगों ने दो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, इन दोनों को अलग कर रखा है, ठीक है। एक सॉल्यूशन जो ए है इसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो सॉल्यूट हैं वो कम है। अगर सॉल्यूट कम है तो मतलब ये क्या है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन उसी तरफ अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बी है, यहाँ पर जो सॉल्यूट है, यहाँ पर जो हमने चीज़ घोली है सॉल्वेंट के अंदर, वो ज़्यादा है, ठीक है, वो ज़्यादा है, तो मतलब सॉल्यूशन बी क्या हो जाएगा हमारे पास में, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास में, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है मतलब बी, इसके अंदर सॉल्वेंट कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। और जो सॉल्यूशन ए है हमारे पास में, ठीक है, इस सॉल्यूशन ए के पास में सॉल्यूट कम है, तो मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉल्यूट जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग इस केस के अंदर पानी मान लेते हैं, कि मतलब जहाँ पर पानी ज़्यादा है मतलब वो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और जहाँ पर पानी कम है वो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो सिंपल सी बात है कि जो पानी है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी मोर कंसंट्रेशन से, पानी अपनी मोर कंसंट्रेशन से मतलब जहां पर पानी ज्यादा है वो कम पानी की तरफ मूव करेगा। जैसे पानी जो होता है वो अपनी ऊंचाई से ढलान की तरफ मूव करता है, तो मतलब इस तरफ पानी ज्यादा है, इस तरफ पानी कम है, तो पानी क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन से इस तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है ना। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये जो पार्टिकल्स हैं क्या ये मूव कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, ये मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने जहाँ पर ये मेम्ब्रेन ली है वो कौन सी ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ली है,
तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात क्या होती है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट को ही अपने आर पार जाने देती है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं ये वाले इनको अपने आर पार नहीं जाने देगी। ठीक है, तो मतलब जो वाटर है वो अपनी मोर कंसंट्रेटर से, मतलब हायर वाटर रीजन से लोअर वाटर रीजन की तरफ क्या करेगा, वाटर मूव करेगा थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के अंदर आइए रूट का जो एग्जाम्पल है वो हम लोग किस टाइप से समझ सकते हैं। जो रूट होती है, जो रूट होती है, मान लीजिए क्या है, रूट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि बाहर सॉइल है और सॉइल के बीच में क्या है, वाटर प्रेजेंट है यहाँ पर। अब होता क्या है कि जाइलम वेसल जो होती हैं वो वाटर को लगातार ऊपर ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो वाटर को लगातार ऊपर ट्रांसपोर्ट करती रहती है। तो मतलब इस रूट का जो रीजन है यहाँ पर वाटर कम होगा, लेकिन बाहर जो सॉइल है उसके अंदर क्या होगा, वाटर थोड़ा ज्यादा होगा। तो वाटर क्या करेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू इस रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस की। नेक्स्ट हम बात करें कि जो जाइलम वेसल्स होती हैं उनके थ्रू क्या होता है कि मेसोफिल सेल्स तक जो वाटर है वो चला जाता है, और उसके बाद में डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू और कहां पर चला जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर इज कैरिड टू द लीफ बाय जाइलम वेसल एंड पास इन टू द मेसोफिल सेल बाय डिफ्यूजन एंड रीचेज द क्लोरोप्लास्ट। मतलब सेल के पास में क्या करेगा, पहुंच जाएगा वाटर। ठीक है, पहले तो जाइलम वेसल उसको लेके जाएगी वाटर को, ठीक है, और जो वाटर आ चुका है वो क्या करेगा, डिफ्यूज कर जाएगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता ही है, सेल से क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो वाटर चला जाएगा। ठीक है, देयर इज ए थिन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड क्यूटिकल अबोव एंड बिलो द लीफ विच हेल्प टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। क्या होता है कि हमने जो एक जब स्ट्रक्चर देखी थी हमने लीफ की, तो वहां पर क्या है कि यहाँ पर जो हमें एक लेयर दिखाई देती है, वैक्सी लेयर, ठीक है, चिकनी लेयर क्यूटिकल की दिखाई देती है, वो क्या करती है कि वाटर के एक्सेस ट्रांसपिरेशन को रोकती है। ठीक है, वाटर लॉस को रोकती है। ठीक है ना, ये दोनों साइड होती है, लेकिन ज्यादा किस साइड होती है, उस साइड होती है लीफ के जो साइड सन की तरफ रहेगी, मतलब ऊपर वाली जो सरफेस होती है लीफ की उस तरफ जो क्यूटिकल है वो ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो इस टाइप से हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर वो कैसे होती है, न्यूट्रिशन जो प्लांट्स है उनके अंदर कैसे होता है। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर हमने बात की थी शुरू के अंदर कि जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन एनिमल्स इसके अपोजिट होते हैं, एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, विच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो तो अपना फूड बना लेते हैं, लेकिन अगर एनिमल की बात आएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। ठीक है, क्योंकि एनिमल अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स को अपने फूड के तौर पर यूज करते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने फूड के तौर पर यूज करते हैं, कौन, एनिमल्स। अब होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल के केस में अलग है, एनिमल क्या होते हैं, एनिमल कंज्यूमर्स होते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है ना, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, इसलिए जो सोर्स होता है एनिमल का, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स होता है फूड का, क्लियर, क्योंकि वो खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग बात करें कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस टाइप से जो फूड अपना वो लेते हैं। ठीक है, और आइए इसको शुरू करते हैं। एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड जो है वो या तो प्लांट्स को खाएंगे फूड के तौर पर या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे फूड के तौर पर। ठीक है ना, अब होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपना फूड खुद बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर, दे डिपेंड, जो प्लांट होते हैं वो तो क्या होते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो रेडीमेड फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जिसको कि प्लांट्स ने बनाया होता है। अब जो रेडीमेड जो फूड होता है, ठीक है, कम्स इधर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। जो रेडीमेड फूड होता है वो या तो प्लांट्स को सीधा खा ले क्योंकि प्लांट के पास में फूड होता है, या फिर दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है, दूसरा जो एनिमल है उसको खा लो, वो भी फूड के तौर पर यूज किया जा सकता है एनिमल्स के द्वारा।
इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से, ठीक है, जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको खा जाते हैं बड़े एनिमल्स, ठीक है ना। जो शेर होता है वो बकरी वगैरह को खा जाता है, तो शेर का जो फूड है वो क्या हो जाएगा, वो बकरी हो जाएगी। इसके अलावा जो बकरी है वो किसको खाएगी, बकरी भी एनिमल तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट को खा लेगी। तो क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हम भी एनिमल्स होते हैं, और हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग वीट खाते हैं, राइस। एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, या फिर हम लोग बात करें वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, ठीक है ना। और होता क्या एक्चुअल के अंदर कि मैनी अदर एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, मतलब बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, ठीक है, जैसे द फिशेज, बर्ड्स एंड स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स ऑल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स। होता क्या कि एक्चुअल के अंदर जो फिश होती है वो छोटी फिश को खा जाती है, ठीक है, जो बर्ड्स होती है, जो पक्षी होते हैं वो इंसेक्ट वगैरह को खा लेते हैं, या फिर जो ग्रेन्स होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है, स्नेक्स जो भी होते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं ना वो अपना जो फूड है वो अदर ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर कि जो बड़ी फिश होती है वो छोटी फिश को खा जाती है, ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं वो वर्म्स को खा लेते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं, जो स्नेक होता है वो फ्रॉग को खा लेता है, और जो इंसेक्ट होते हैं वो डेड बॉडीज को जो एनिमल्स की होती हैं उनको खा लेते हैं, ठीक है ना। अब जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर एक बात आप लोगों ने ध्यान रखनी कि जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं, ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो अपना जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं, वो अदर प्लांट से भी ले सकते हैं या फिर एनिमल से भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ईस्ट जो है वो क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है, हालांकि ईस्ट क्या है, ईस्ट अच्छा एग्जाम्पल है किसका, यही जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है उसका। इवन द प्लांट्स कैन ईट इंसेक्ट, और इवन जो प्लांट्स होते हैं वो भी इंसेक्ट्स को खा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर क्या है कि एक प्लांट है तो उसका नाम क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप के पास में क्या होते हैं, इस टाइप से उसके जो क्या करता है वो फ्लाइज को ट्रैप करता है, ठीक है, ट्रैपिंग ऑपरेटर्स उसके पास में इस टाइप का होता है। तो जब कोई इंसेक्ट आता है इस इन दोनों डिस्क से बीच के बीच में बैठता है, ठीक है, जो लीफ होती है वहां पर बैठता है, तो दोनों के दोनों ये जो हिस्से हैं दोनों बंद हो जाते हैं आपस में, ठीक है, आपस में बंद हो जाते हैं, तो जो इंसेक्ट होता है वो बेचारा फंस जाता है इसके अंदर, ठीक है, इंसेक्ट फंस जाता है। और उसके बाद में ये जो लीव्स की सरफेस होती है, ठीक है, जहां पर वो इंसेक्ट फंसा हुआ है वहां से डाइजेस्टिंग एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं और वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो सवाल उठता है कि ये जो प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो ये जो इंसेक्ट होते हैं इनकी जो बॉडी है इनके पास में क्या होता है, क्यूटिकल होता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है कि इनके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं ये नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स होते हैं, और ये जो प्लांट होते हैं ये वहां पर देखे जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन सॉइल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जो कि ऐसा प्लांट है जो कि क्या करता है, इंसेक्ट को खा जाता है, जैसे पिचर प्लांट जो है, ठीक है, पिचर प्लांट है, और जो फ्लाई ट्रैप्स है, कौन सा, वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं, ये प्लांट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें कि जो एनिमल्स होते हैं वो, उनको हम लोग क्या करते हैं कि तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं उनके फूड हैबिट्स के बेस पे। वो हर्बीवोर हो सकता है प्लांट, सॉरी जो एनिमल है वो हर्बीवोर हो सकता है जो कि प्लांट को खाए, कार्निवोर हो सकता है जो कि एनिमल को खाए, और ओमनीवोर हो सकता है जो कि सब कुछ खा ले, मतलब जब उसको मौका मिले तो वो प्लांट को भी खा ले और जब उसको मौका मिले वो एनिमल को भी खा ले, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, ठीक है। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर हर्बीवोर्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। जैसे कि जो गोट है, काऊ है, बुफेलो है, शीप है, हॉर्स है, डियर है, कैमल, जो भी आप लोग देखते हैं एनिमल्स, ठीक है, वो क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं उसके, हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर क्या करते हैं, जो ग्रासेज होती हैं उनको खा जाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, ग्रेन्स जो होते हैं उनको खाते हैं, दानों को खाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स को खाते हैं, या जो बार्क होती है
ट्री की, उसको खा लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता ही होंगे हर्बीवोर क्या कुछ होते हैं, ठीक है ना। हर्बीवोर मतलब हर्ब्स को खाने वाले, मतलब पेड़ों को या पत्तियों को उनके खाने वाले हर्बीवोर होते हैं, ठीक है। रैबिट है, ग्रास हॉपर है, हिपोपोटेमस है, ये क्या है, हर्बीवोर्स होते हैं सारे, क्लियर। अब काओ क्या है, ये भी हर्बीवोर है, क्योंकि ये क्या करती है, सिर्फ प्लांट्स को ही अपने फूड के तौर पर यूज करती है, ठीक है। इसलिए हर्बीवोर क्या, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांट ईटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट ईटर्स। हर्बीवोर आर आल्सो कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हर्बीवोरस एनिमल्स भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग देख रहे हैं कि जो काओ है वो क्या है, एक हर्बीवोर एनिमल है, ठीक है ना। मतलब वो सिर्फ प्लांट्स को खाती है, ग्रासेस को खाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि कार्निवोर क्या होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, ऐसे एनिमल जो कि दूसरे एनिमल को अपने फूड के तौर पर यूज करते हैं, जो कि सिर्फ एनिमल को ही खाएं, दूसरे एनिमल को खाएं। जैसे जो शेर होता है वो बकरी को खा जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो शेर है वो क्या, कार्निवोर है, ठीक है। कार्निवोर क्या करते हैं, सिर्फ वो मीट को ही खाते हैं, फ्लैश को ही खाते हैं, मांस को ही खाते हैं, ठीक है ना। और किसका मांस होता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का या फिर दूसरे एनिमल का मीट होता है वो। जैसे दोज एनिमल्स विच ईट ओनली द मीट ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर बोलते हैं, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल क्या है कार्निवोर के, लायन है, टाइगर है, फ्रॉग है, ठीक है, वल्चर जिसको हम लोग गिद्ध भी बोल देते हैं वो है, ठीक है, किंगफिशर है, लिजर्ड है, वॉल्फ है, स्नेक है, हॉक जिसको बाज कॉमनली हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। लॉयन क्या है, कार्निवोर है, क्योंकि ये क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का सिर्फ मीट ही खाता है, दूसरे एनिमल का मीट ही खाता है। जैसे डियर हो गया, रैबिट हो गया, गोट हो गई, ठीक है ना, इनका क्या करता है, ये मीट खा जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्निवोर बोलते हैं, ठीक है। और कार्निवोर को हम लोग क्या बोलते हैं, मीट ईटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीट ईटर बोल दो इसको या तो आप, या फिर इसको कार्निवोरस एनिमल्स बोल दो, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसके बाद में जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या है, वो ओमनीवोर की कैटेगरी है। मतलब जो प्लांट को भी, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, प्लांट को भी और एनिमल को भी, दोनों को खाते हैं, बोथ को खाता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, ओमनीवोर होते हैं। जैसे जो एनिमल, जो क्या होते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों को खाते हैं, तो हमने क्या बोला, ओमनीवोर बोला है। जैसे कि जो मैन होता है, ठीक है, मैन जो है वो रोटी भी खा लेता है, मतलब इसके अलावा सलाद होता है वो भी खा लेता है, जो कि प्लांट प्रोडक्ट है, इसके अलावा मीट को भी खा लेता है। तो ह्यूमन बींग क्या है, जो ह्यूमन बींग है वो ओमनीवोर की कैटेगरी में आते हैं। डॉग जो है वो रोटी भी खा लेता है, ठीक है, और वो मीट भी खा लेता है, तो वो भी क्या है, ओमनीवोर है। इसके अलावा में जो कौआ है, कौआ रोटी छीन के ले जाता है बच्चों के हाथ से, ठीक है, और इसके अलावा क्या करता है, वो मांस भी खा सकता है, ठीक है। छोटे आपने देखा होगा चूहों को लेकर घूमते रहते हैं कई बार क्रो। इसके अलावा जो स्पैरो है, ठीक है, बियर, ठीक है, इसके अलावा मैना जो है या जो आंट है, ये क्या होते हैं, ओमनीवोर होते हैं, ठीक है। मैन को ओमनीवोर बोला जाता है क्योंकि ये प्लांट को भी फूड के तौर पर खा सकता है और एनिमल को भी खा सकता है, एनिमल का मीट भी खाता है ये, और जो प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ग्रेन्स होते हैं, दालें होती हैं, फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको खाता है, ठीक है। इसलिए ओमनीवोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट ईटर्स एज वेल एज मीट ईटर्स बोलते हैं, ठीक है। और ओमनीवोर को क्या बोलते हैं हम लोग, ओमनीवोरस एनिमल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सी बातें आपको पता भी होंगी, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में तुम्हें पढ़नी चाहिए। अब होता क्या है कि आप लोग देखें यहाँ पर, इससे पहले ये जो शेर क्या है, एक जेब्रा को खा रहा है, ठीक है, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको खा रहा है ये, तो ये क्या एक्चुअल के अंदर ये कार्निवोर है। जो ह्यूमन है वो क्या है, ओमनीवोर है, वो क्या कर रहा है, वो प्लांट को भी खा सकता है और एनिमल को भी खा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो ये जो डायग्राम है इसके अंदर क्या बताएगा कि सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको हम लोग, उसको जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, और इस फूड को कौन खाता है, बकरी खाती है, और बकरी को हम खा सकते हैं, हम प्लांट्स को भी खा सकते हैं, इसके अलावा जो लायन है वो क्या करेगा, बकरी को खा जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने बात की कि जो ओमनीवोर होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर होते हैं, वो क्या कुछ होते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। और प्लांट क्या करते हैं, इस फूड को यूटिलाइज भी करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इस फूड का यूज भी करते हैं मतलब। और जो प्लांट होते हैं या जो उनके प्रोडक्ट होते हैं, उनको हर्बीवोर खा जाते हैं या उनको ओमनीवोर खा जाते हैं, ठीक है ना। जो कार्निवोर होते हैं वो क्या करते हैं, हर्बीवोर को अपने फूड के तौर पर खाते हैं, मतलब जो लायन है, कार्निवोर है, वो क्या करेगा, बकरी को खा जाएगा अपने फूड के तौर पर, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है कि आप लोग इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि जो एनर्जी होती है सन से मिली,
ठीक है, विच प्रोवाइड फूड फॉर प्लांट्स एनिमल्स हर्बीवोर कार्निवोर ओमनिवर, इन सबको एनर्जी एक्चुअल में मिल कहाँ से रही है? तो वो सनलाइट से ही मिल रही है, क्योंकि सनलाइट जब आएगी तो प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे, और प्लांट्स को हर्बीवोर खाएगा और हर्बीवोर को ही कार्निवोर खाएगा, ठीक है ना। जो गोट है वो क्या है, हर्बीवोर है जो कि प्लांट को खाती है, मैन एक ओमनिवोर है जो कि बोथ प्लांट और मीट दोनों को खाता है, ठीक है ना। और जो लॉयन है वो क्या है, कार्निवोर है जो कि सिर्फ फ्लैश ऑफ गोट ही खाता है, जो सिर्फ बकरी का मांस ही खाता है, ठीक है ना। द मैन यूजली डज नॉट गेट ईटन अप बाय लॉयन बिकॉज ही इज वेरी क्लेवर फेलो। अब इन जनरल जो मैन है उसको शेर नहीं खा पाता, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो काफी ज्यादा चलाक होते हैं, ठीक है, उनके पास में कई बार गन होती है तो शेर को मार भी सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना जो फूड है, ठीक है ना, एन ऑर्गेनिज्म इधर मेक इट्स फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स सच एज ग्रीन प्लांट्स और टेक इन रेडीमेड फूड एज एनिमल्स डू। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो अपना फूड है वो रेडीमेड भी लेते हैं और खुद भी बनाते हैं, ठीक है। अब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, वो प्रोसेस जिसके अंदर के जो ऑर्गेनिज्म वो अपना फूड लेता है, ठीक है, ऑब्टेन करता है और उसके बाद में उसको यूज करता है, ठीक है, किसके लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए और इसके अलावा ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ये जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब कल हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटे इतना ही, बाकी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो थैंक यू।